हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और नई और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी जिसको बनाना बिल्कुल आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसके लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और इसे ज़रूर घर पर ट्राई करें। सबसे पहले हम गैस पर बर्तन में ऑयल लेंगे थोड़ा सा। इसमें हम 1/4 चम्मच जीरा ऐड कर देंगे। यह हमने 1 इंच बारीक कट किया हुआ अदरक लिया है और 2 हरी मिर्च ली है बारीक कट की हुई, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो जीरा थोड़ा फ्राई करने पर हमें इसे ऐड करना है। इसको भी हम थोड़ा इसमें फ्राई करेंगे। तो कुछ सेकंड फ्राई करने के बाद अब इसमें हम एक बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे। अगर प्याज नहीं खाते हैं या पसंद नहीं करते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। ये हमने थोड़े से कटके हुए पत्ता गोभी ली है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ी देर इसको हम फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को लो मीडियम पे ही रखना है, चलाते हुए ही इसको थोड़ी देर फ्राई करना है। तो पत्ता गोभी और प्याज थोड़ा सॉफ्ट होने पर इसमें हम एक ग्रेट किया हुआ यानी कि कद्दूकस किया हुआ गाजर ऐड कर देंगे और इसको भी हमें थोड़ी देर इसमें फ्राई कर लेना है। तो ये सारी सब्जियां थोड़े से इसमें सॉफ्ट हो गई है, हमें पूरी तरीके से इसको गलाना नहीं है। 1 कप इसमें पानी ऐड कर देंगे। 2 चुटकी हींग ऐड करेंगे। हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और डाइजेशन के लिए भी वो बहुत ही फायदेमंद रहती है। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। 2 चुटकी हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। तो ये पानी में हम उबाल आने देंगे। तो ये पानी में उबाल आने पर अब इसमें हम ये हमने 1 कप चावल का आटा लिया है वो ऐड करेंगे। इसको हम लो फ्लेम पर मिक्स करते हुए पका लेंगे। तो इसको हमें ऐसे ही मिक्स करते हुए थोड़ी देर पका लेना है। तो थोड़ी देर हमने इसको मिक्स करते हुए पका लिया है। अब इसको हम एक बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे और थोड़ा सा ठंडा करेंगे। बोल में लेंगे 1/2 कप बारीक वाली सूजी। ये हमने 1/2 कप गुनगुना पानी लिया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे है ना, हम बहुत ही जल्दी और इंस्टेंट नाश्ता बना रहे हैं इसीलिए हमने गुनगुना पानी लिया है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे नॉर्मल पानी में भी सूजी को भिगो सकते हो, फिर आपको उसको 5 मिनट का रेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये बेस्ट तरीका है तुरंत ही नाश्ता बनाने का, कि आपको किसी भी चीज की वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बैटर थोड़ा थिक लग रहा है तो 1 चम्मच जितना पानी और ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो बस इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो नाश्ते के लिए ना एक मजेदार से चटनी रेडी करेंगे। तो उसके लिए हम एक पैन भी लेंगे, थोड़ा सा तेल, इसमें हम छोटे साइज के कटके हुए प्याज ऐड कर देंगे, 3 से 4 लहसुन की कली, 1/2 इंच अदरक, थोड़े से कच्चे मूंगफली के दाने लिए हैं, इसका टेस्ट चटनी में बहुत ही अच्छा आता है, 2 सूखी लाल मिर्च हमने ली है वो इसमें डाल देंगे। चटनी है ना थोड़ी चटपटी सी बनाएंगे। 1/4 चम्मच ऐड करेंगे इसमें हम जीरा। तो सभी चीजों को लो फ्लेम पर चलाते हुए हमें थोड़ा भून लेना है। इस तरीके से सभी चीजों को भूनेंगे ना, इससे चटनी का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा और जो चटनी की लाइफ है ना वो बढ़ जाती है, यानी कि उसे आप ज्यादा समय तक स्टोर कर सकते हो। कुछ इसमें हम कड़ी पत्ता भी ऐड कर देंगे, फ्रेश कड़ी पत्ता हमने ले लिया है। इसे भी सभी चीजों के साथ थोड़ी देर भून लेना है। चटनी में ना कड़ी पत्ते का जो फ्लेवर है ना वो भी बहुत ही अच्छा आता है। तो इसका ना हमें कलर चेंज नहीं करना है, इसलिए लो फ्लेम पर ही भूनना है। बस सारी चीजें थोड़ा सॉफ्ट हो जाए ना तब तक हम इसे भून लेंगे। तो थोड़ी देर हमने इसको भून लिया है, गैस को ऑफ कर देंगे, इसे पंखे में जल्दी से ठंडा कर लेंगे। अभी हमने बारीक वाला कद्दूकस लिया है और इससे हम आलू को कद्दूकस करेंगे। तो एक हमने ये कच्चा आलू ले लिया है, इसको हमें कद्दूकस कर लेना है। तो कच्चा आलू से ना बहुत ही ज्यादा इंस्टेंट नाश्ता बन जाता है, कोई झंझट नहीं रहती है उबालने की। और है ना कद्दूकस है ना, आप बारीक वाला ही ले, अगर बारीक वाला नहीं है तो आप मोटे वाला कद्दूकस ले सकते हो, लेकिन अगर बारीक वाला है तो उसी से कद्दूकस करें क्योंकि यही बेस्ट है। तो ये पूरे आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है, देखिए एकदम बारीक से लच्छे इसके बन गए हैं। इसे ना हम 2 से 3 बार अच्छे से साफ पानी से धो लेंगे। तो ये सूजी है ना हमारे, इसमें हम ऐड कर देंगे 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। सब्जी में अगर आप कोई सब्जी और ऐड करना चाहते हो ना तो वो भी कर सकते हो, जैसे कि टमाटर, गाजर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, फ्रेश धनिया ऐड करेंगे। अगर धनिया नहीं है ना तो कड़ी पत्ता भी बारीक कट करके ले सकते हो।
अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, तो घर में किचन में जो मौजूद मसाले होते हैं ना उसी से ये नाश्ता रेडी करेंगे, बाहर से आपको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे ये हमने ले लिया है 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसमें। चटपटे टेस्ट के लिए 1/4 टीस्पून ऐड कर देंगे चाट मसाला, 2 चुटकी ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, ज्यादा नहीं ऐड करना है। थोड़ी सी डाल देंगे इसमें हम कूटी हुई लाल मिर्च, अगर कूटी हुई लाल मिर्च नहीं है तो लाल मिर्च पाउडर ले सकते हो या फिर हरी मिर्च की मात्रा को बढ़ा सकते हो, और बाकी तीखा जितना आप खाते हो ना उतना इसमें आप डाल सकते हो। 1 चुटकी डाल देंगे इसमें हम हींग, जो खाने के स्वाद को भी बढ़ाएगी और डाइजेशन के लिए अच्छी रहती है। सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे जिससे कि जो सारे मसालों का टेस्ट है ना वो सारा सूजी में आ जाए अच्छे से। तो फ्रेंड्स इतना आसान नाश्ता है ना कि सुबह जानबूझकर लेट उठोगे क्योंकि बहुत ही जल्दी बनने वाला नाश्ता है। ये हमने 1 इंच अदरक लिया है, अदरक को कद्दूकस करके डालेंगे। इस तरीके से अदरक को कद्दूकस करके डालो ना नाश्ते में तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। लेकिन अगर मुंह में आता है अदरक वो पसंद नहीं करते हो या बच्चे पसंद नहीं करते है ना, तो अदरक का पेस्ट भी इसमें डाल सकते हो आप। तो अदरक भी ना डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है और स्वाद को तो बढ़ाता ही है। तो ये पूरे अदरक को हमने कद्दूकस कर लिया है। तो ये आलू को हमने 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया है, अब इसे हम अच्छे से निचोड़ लेंगे पानी से और इसमें डाल देंगे। तो देखिए किसी भी चीज का वेट करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजीली बनने वाला नाश्ता है। अगर उबला हुआ आलू पहले से आपके पास पड़ा हुआ है ना तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और इसको हमें मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स आपके साथ है ना हम ऐसी आसान से आसान रेसिपी ही शेयर करते हैं जिसे बहुत ही जल्दी आप बना सके बिना टाइम वेस्ट किए। तो अगर आपको वीडियो जरा से पसंद आती है, रेसिपी जरा से भी यूजफुल लगती है ना, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट में जरूर बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक जरूर करें जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ये सूजी को हमें कोई रेस्ट पे रखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पे गर्म पानी का इस्तेमाल किया था। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, इसको बहुत ज्यादा पतला नहीं रखा है लेकिन बहुत ज्यादा थिक भी नहीं रखना है, बस ये बराबर कंसिस्टेंसी है। तो एक मिक्सर जार लिया है हमने, ये सारी चीजों को ठंडा कर लिया है, इसे मिक्सर जार में डाल देंगे। इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। तो देखिए ये चटनी को हमने ग्राइंड कर लिया है, इसको हम एक कटोरी में शिफ्ट करेंगे, अभी पूरी तरीके से चटनी रेडी नहीं हुई है। तो ये पैन में हमने थोड़ा सा तेल ले लिया है जिसको अच्छे से गर्म कर लिया है, इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी सरसों, सरसों को अच्छे से तड़कने देंगे, इसमें डाल देंगे 1 चुटकी हींग। तो सरसों तड़कने पर अब ये जो तड़का है ना हमारा वो हम इस चटनी में डाल देंगे। तो ये बेहद स्वादिष्ट हमारी चटनी बनकर रेडी हो गई है। फ्रेंड्स आप है ना दोनों तरीके से खा सकते हो, चाहे तो तड़के वाली खा सकते हो या बिना तड़के के भी खा सकते हो, दोनों ही तरीके से चटनी खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है और आपके नाश्ते के स्वाद को ना दोगुना कर देगी। अब हम गैस पर पैन लेंगे और उसमें थोड़ा सा तेल लेंगे, तो बहुत ही कम तेल में ये नाश्ता बनने वाला है। तो ये तेल को ना हम पूरे तवे पर फैला देंगे क्योंकि बहुत ज्यादा कम तेल है, इसीलिए इस तरीके से ब्रश की हेल्प से पूरे तवे पर हमें इसे फैला देना है। थोड़ा सा काले सरसों इसमें डालेंगे, तो सरसों को हल्का तड़कने देंगे। तो देखिए ये सरसों तड़क चुकी है, अब इसमें हम जो हमारा बैटर है ना उसको डालेंगे, इस तरीके से हल्का हल्का सा फैला देंगे। ये नाश्ते को ना हम थोड़ा छोटी साइज में बना रहे हैं, आप चाहे तो अगर इसको बड़ी साइज में बनाना चाहते हो तो बड़ी साइज में बना सकते हो। तो इसी तरीके से एक एक करके सभी को डालते जाएंगे, जितने एक बार में तवे पर आएंगे ना उतने हम इसमें डाल देंगे। तो ये सभी को हमने इसमें फैला दिया है। गैस की फ्लेम को लो मीडियम से हल्का सा ज्यादा रखेंगे और थोड़ी देर इसको सिकने देंगे। थोड़ी देर सिकने के बाद अब इसे हम पलटेंगे, देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना हम इसको तवे पर सेक रहे हैं, आप चाहे तो नाश्ते को शैलो फ्राई भी कर सकते हो। तो दूसरी साइड की इसी तरीके से हमें सेक लेना है, आप चाहे तो इस तरीके से हल्का हल्का इसको दबा भी सकते हो सेकने के टाइम पे। तो ये नाश्ते को हमने अलटते पलटते दोनों साइड से अच्छे से सेक लिया है और देखिए बहुत ही अच्छे से सिक चुका है। तो बहुत कम तेल में बहुत ही जल्दी बनने वाला ये नाश्ता है, देख सकते हो बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में ही। तो एक एक करके ना हम इसको तवे से बाहर निकाल लेंगे और दूसरी बार बनाने के लिए ना हमें तवे पर दोबारा तेल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बाकी का जो बचा हुआ बैटर है ना उसका भी हम बना लेंगे इसको।
तो लीजिए, हमारा कुछ बून तेल में बनने वाला नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, देखने में कितना ज़्यादा बढ़िया है और खाने में उससे भी ज़्यादा बढ़िया है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है और बिल्कुल कम तेल में बनता है ना, तो इसको खा के आपका पेट भरेगा लेकिन मन बिल्कुल भी नहीं भरेगा, तो एक बार ट्राई जरूर करिएगा। तो देखिए जो मिक्सचर है हमारा, ये हमने पूरी तरीके से इसको ठंडा नहीं करना है, बस हल्का सा इसको ठंडा किया है जिससे कि हम इसको मसल सके, टच कर सके। तो इसको हम अच्छे से मसल लेंगे। देखिए इस तरीके से हाथों से ही हमें इसे मसलना है। तो थोड़ी देर इसको हमने मसल लिया है। अब इसमें हम एक उबला हुआ आलू ऐड करेंगे। आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है ताकि अच्छे से मैश हो जाए। आप हाथों से भी इसे अच्छे से मैश करके भी डाल सकते हैं। ध्यान रहे आलू हमें उबला हुआ जो लेना है उसको ठंडा करके ही लेना है, गरम आलू बिल्कुल भी नहीं लेना है इसमें। ये हमने थोड़ा सा धनिया लिया है वो डाल देंगे। आधा चम्मच ये हमने चिली फ्लेक्स लिया है वो भी इसमें ऐड करेंगे। तीखा आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, जैसा भी तीखा खाना पसंद करते हो। तो इसको हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हाथों में हम थोड़ा सा ऑयल लगा के हाथों को चिकना कर लेंगे। ये थोड़ा सा मिश्रण लेंगे, इसको गोल करते हुए बनाएंगे। देखिए इस तरीके से इसको गोल करने के बाद फ्लैट कर लेना है। तो इसको हमें हाथों से ही करना है, कोई बेलने की जरूरत नहीं है। तो इसे करने के बाद ये हमने चावल का आटा लिया है थोड़ा सा, इसमें हम इसको कोट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसके दो बेनिफिट है, एक तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं और दूसरा अच्छे से फ्राई होंगे, बाहर से बहुत ही बढ़िया से क्रिस्पी बनेंगे। तो ऐसे ही हमें सभी रेडी करने हैं, बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो ऐसे ही हमें रेडी करना है। तो अब ये हमने तेल को गर्म कर लिया है, तेल को हमें मीडियम ही गर्म करना है, बहुत तेज गर्म तेल नहीं होना चाहिए। एक एक करके इसको डालेंगे तेल में। तो देखिए फ्रेंड्स ये कोट करके आप चाहे तो इसे फ्रिज में हफ्ता भर रख भी सकते हैं, अगर आप एक साथ अगर ज़्यादा आपने बना ली है या फिर इसे आप स्टोर में रखना चाहते हैं तो आराम से रख सकते हैं, बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी नाश्ते की रेसिपी है। इसको हमने चावल के आटे से बनाया है, आप चाहे तो मैदा या फिर गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। तो थोड़ी देर इसको बिल्कुल भी हमें टच नहीं करना है। तो थोड़ी देर फ्राई होने पर इसको पलटेंगे, देख सकते हैं ऑयल में अपना आप ही ऊपर आ चुके हैं। तो गैस की फ्लेम को मीडियम पे ही रखना है और पलटते हुए ही इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गए हैं और बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी भी हो चुके हैं। तो ऑयल से इसे बाहर निकालेंगे अब। तो दूसरे भी हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स इसके साथ ही हम आपको दूसरे तरीके से बताएंगे कि आप बिना तले भी इसको कैसे बना सकते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो ऑयली चीजें पसंद नहीं करते हैं। तो इसको हम फ्राई कर लेंगे और दूसरी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये हमने गैस पर एक अप्पम पैन लिया है, इसमें हम हल्का हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। तो उसी मिश्रण के हमने इस तरीके से छोटे छोटे गोले रेडी कर लिए हैं, उसको हम इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास अप्पम पैन नहीं है तो आप इसको तवे पर भी बना सकते हैं, जैसे हमने पहले फ्लैट बनाए थे वैसे ही बना के आप उसको तवे पर हल्का हल्का ऑयल लगा के सेक सकते हैं। तो इसको हमें पलटते हुए ही लो फ्लेम पर सेक लेना है। अगर गैस की फ्लेम लो फ्लेम पर बहुत ही कम है तो आप इसको लो मीडियम फ्लेम पर भी सेक सकते हैं। तो इसको हमने पलटते हुए बहुत ही अच्छे से सेक लिया है और इसको पहले ही हमने पका लिया था आटे को। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं लगते हैं खाने में, तो आप इसको बहुत ही आसानी से इस तरीके से बना सकते हैं जैसे भी पसंद करें। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा स्नैक्स रेडी है, आपको दिखाते हैं कितने बढ़िया कितने क्रिस्पी बनाए। देखिए बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी बनकर रेडी हुए है, देख सकते हैं एकदम अच्छे से क्रिस्पी बने हैं। तो आप इसको दोनों ही तरीके से बना सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से मटरी की तरह भी बना सकते हैं और चाहे तो इस तरीके से बॉल्स की तरह भी बना सकते हैं। और आप ये मटरी की तरह बना के इसको तवे पर भी हल्का हल्का फ्राई कर सकते हैं।
तो दोनों में से आपको कौन सी रेसिपी अच्छी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप कौन से वाली ट्राई करने वाले हैं ये भी हमें जरूर बताएं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो जरा से भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लेटेस्ट वीडियो के लिए घंटे भी क्लिक करना ना भूलें। अब हम आपको मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।